समझ में नहीं आ रहा है, सिमी ने तुमसे मुंह मोड़ लिया क्यों? इस बात का जवाब आज भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सोचने पे लगता है कि शायद सिमी को लगा जब से मैं उसकी जिंदगी में आई हूं तब से उसकी सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। ना वो मुझसे मिलती, ना मेरे जरिए वो अपने आप से मिलती, ना अपने आप से मिलने के बाद वो पुनीत से दूर जाती। What the hell? क्या हुआ ये? इधर आओ। इतनी देर लगा दी सिमी तूने आने में, ये देख, ये क्या हुआ? इधर आ मेरे पास, बैठ बैठ जा। ये क्या हुआ बेटा? सिमी, इतनी चोट। सिमी, क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लगी तुम्हें इतनी? अरे बोल तो सही, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगी? मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी। हाँ। नहीं चला। पता नहीं चला मतलब? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ क्या? तेरे पास तो सेल फोन नहीं है? फोन नहीं कर सकती थी? मैं देखा। अरे कितनी जोर से लगी, देखो। क्या हुआ, क्या है? आराम से। वो कट डीप है, ये फर्स्ट एड से नहीं होगा। आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मैं फिलहाल, आप लोग बैठो, मैं इसको, आओ मेरे साथ चलो। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज बैठो, मैं आई विल टेक केयर ऑफ दिस, प्लीज चलो। मैं देखता हूँ आंटी, प्लीज अब बैठिए। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। सबको हो क्या गया? ओ साहब, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। अरे इमरजेंसी है, उसको जाना अंदर। इमरजेंसी पे कोई पिक्चर देखने आया क्या साहब? आवाज नीचे करके बात कर, समझ में आया तुझको? चाय पानी देता हूँ कुछ। मेरे को चाय पानी कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज रिवर्स लेके वहाँ पार्क कीजिए। रुक एक सेकंड, ये रुकना एक सेकंड। क्या कर रही हो? Let me park the car. मैं तुम्हारे लिए अंदर वेट कर रही हूँ। अजीब हो तुम। बहुत जोरों की चोट लगी है, कैसे हुआ ये? वो मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैं सीधे मुंह की बल गिर गई। ओहो, कोई मेटल तो नहीं था ना? क्योंकि अगर मेटल है तो टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। कोई मेटल नहीं था, ये इनकी लापरवाही है बस। तो मैं था वहाँ पर, मैं नहीं होता मुझे नहीं पता क्या होता। अरे कुछ नहीं होगा, आप हो ना इनके साथ। आप कहाँ जा रहे हो? थैंक यू, इनको तो मेरी कदर है नहीं, कम से कम आपको तो है, सीखो इनसे कुछ। धीरे धीरे वो भी सीख जाऊंगी। ध्यान से, दर्द ना हो इनको। दर्द तो नहीं हो रहा? ये सब तुम्हारा कसूर है, डू यू अंडरस्टैंड? मतलब रैंडमली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी की डेट फिक्स्ड है, कार्ड्स बंट चुके हैं। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। किसी भी नॉर्मल इंसान को इस बात पे गुस्सा नहीं आया, बताओ? मुझे अच्छा लगता है क्या तुम पर हाथ उठाना, तुम्हें मारना? बट मेरे पास कोई भी और ऑप्शन था? मेरी जगह तुम होती क्या करती? वहां क्या देख रही हो? यहां देखो, तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी भी सिमी कोई रेपुटेशन है, कोई इज्जत है। मैं क्या बोलता किसी को भी कि कम से शादी ऑफ हो गई? और कोई रीजन नहीं, तो मुझे बताओ कोई रीजन क्या है? क्या मतलब मैं अच्छा लड़का हूँ, पैसा है, तुम आराम से रहती, द सेक्स इज अमेजिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है पुनीत। तो फिर आई एम सॉरी, यू आर राइट, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें मजबूर किया मुझ पर हाथ उठाने के लिए। दोबारा मौका नहीं दूंगी। I really appreciate it. You're realizing. और प्लीज ये अपने पेरेंट्स, अपने
मम्मी पापा को ये सब बात मत बताना यार, मैं नहीं चाहता कि उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम हो। हाँ मैं नहीं बताऊंगी। That's like my good girl. पर बहुत एकदम पूरे दिन बहुत ड्रामा हो गया यार। कहीं चल कर मैं चलती हूँ। गुड गर्ल। यार अभी तो टाइम है ना ऑफिस खत्म होने में। I know Roy, लेकिन सिमी, she needs me. I know, I mean I don't know. क्या हो रहा है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। I have to go. I'm sorry. रूही, रूही, listen to me यार। रू, क्या होगा इस लड़की का यार? Okay, that's the table for 5 at 7 p.m. Yes, ma'am. Excuse me, Simi से मिलने आई हूँ मैं। कहाँ है वो? मैं उसकी फ्रेंड हूँ। हाँ, जानता हूँ। कहाँ है वो? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। पर वो तो नहीं है। है नहीं मतलब, I mean, इसी टाइम पे आती ना वो? नहीं मतलब उसने बाना छोड़ दिया है, and I think गाना गाना भी छोड़ दिया है। बेचारी कुछ परेशान सी लग रही थी। Shit. You know what, Lily? This is logically wrong. यार तुम दोनों में से किसी एक को तो थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, अपनी टेंशन पर थोड़ा काबू करना चाहिए। वहां सिमी गायब है और यहाँ तुम सिगरेट्स पे सिगरेट्स पी रही हो। It's not helping the situation. Then what will help the situation? Police ke paas jao. Missing persons report likhwao. Yaar, I don't mean that. Then what do you want me to do? Simmi is duniya se gayab nahi hui hai, meri zindagi se door gayi hai. Aur mujhe usse itna pressurize nahi karna chahiye tha. Main bhi koi Puneet se kam nahi hu. What? Like really? Ab tum us Puneet jaisi ho gayi ho. Aur nahi to kya yaar? वो पुनीत उसे अपने पास खींच रही है या मैं उसे अपने पास खींच रही हूँ? पिस गई है बेचारी हम दोनों के बीच। God, will you please stop this nonsense? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो रूही, अगर तुम नहीं होती ना, तो पुनीत उसे कब का डिस्ट्रॉय कर देता। तुम उसकी ताकत हो, कमजोरी नहीं। Yeah, sure. देखो रूही, मेरी बात सुनो। देखो, हो सकता है कि वो थोड़ा बुखला गई हो, and she wants some alone time. That's it. See, I'm telling you, उसे थोड़ा सा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रोहित, मेरा दिल कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। Time is running out on something, पर वो something क्या है? I don't know. कहाँ रह गई थी यार, इतना टाइम लगा दिया। वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। तुम्हारा हर बार का यही हो रहा है, इसको सुधार लो। कम ऑन, मेक योर ड्रिंक। जोआना, मीट माय फियांसे सिमी। हाय। ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने बताया था ना, सरप्राइज है फोन पे। सो जोआना इज अ सरप्राइज। मीट, लेकिन लेकिन क्या? प्यार बांटने से बढ़ता है। एक से भले दो और दो से भले तीन। टू इज बोरिंग एंड थ्री इज व्हाट इज थ्री? थ्री इज कंपनी। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। कोई बीवी हो तुम्ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं जोआना को हर लड़की के साथ शेयर करता हूँ? Have I ever done it? Never. You're such a devil. But I don't think Simi likes me too much. Gosh. You are very pretty. I want you more than ever. I can take you to the stars and back, baby. That's a very essential perfume. Do you want to smell it more?
और तभी तो तुमने मेरा तोड़ा है पुनीत, अपने घर से उठाकर कोठे पर बैठा दिया। अपने घर से उठाकर कोठे पर बैठा दिया? हम कोई हिंदी टीवी सीरियल के अंदर है? रणवीर साहब जब बोल नो व्हाट इज द मेलोड्रामा फॉर? She is a bore in life. She's going to spoil our scene also. She's going to be the wet blanket. Such a pity. You can make yourself a drink. चौबीस घंटे 18 मिनट से बातें हुई हमारी, ये कितने मिनट के अंदर ही थी मैं? ये सब क्या है समीर? सब कुछ बहुत फक्ड अप है, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी ताकि मैं सुकून से मरूं। मुझे सारी रिपोर्ट्स लाकर उसे, ठीक है? अनु सब ठीक? Well, you brought her in time. We have pumped all the pills, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस हो सकता था। Thanks, Anand. Thank you so much. लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बारे में पुलिस को कुछ मत बताना। अरे कैसी बात कर रहा है यार, आई नो डिप्रेशन में इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम पुलिस नहीं, प्रॉब्लम इस लड़की के लिए वो खुद है। सुसाइडल टेंडेंसीज कैन बी वेरी डेंजरस। आई नो, लेकिन फिलहाल हम इस बारे में इसके पेरेंट्स को कुछ नहीं बता सकते, समझ सकता ना यार तू? लेकिन धीरे धीरे हम इसे ट्रीट कर लेंगे। तू बस ये बता कि क्या कल सुबह हम इसे घर ले जा सकते हैं? Well, मैं उसे सलाइन दे रहा हूँ आज पूरी रात के लिए। सुबह वो थोड़ी वीक होगी, बट मैं तुम लोगों की सिचुएशन समझता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो शायद इस बार हम इतने लकी नहीं होंगे। सो यू गाइस हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर हर, ओके? या, थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। रोही, मैं हॉस्पिटल की बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूँ, प्लीज टेक केयर।
इसीलिए आज जब मैं तुमसे टीवी स्टेशन पे मिलने आई, मैं सीधे हॉस्पिटल से आई थी सिमी को एडमिट करने के बाद। थैंक गॉड शी इज आउट ऑफ डेंजर। नहीं बीना, फिलहाल वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन वो कभी भी कंप्लीटली इन डेंजर जा सकती है। आई मीन उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी बर्दाश्त करने की, ना जीने की कोई चाहत बची। और अगर ऐसे चलता रहा तो आज तो हमने किसी तरीके से उसे बचा लिया, लेकिन अगर हालात यही रहे तो वो फिर से कर सकती है सब कुछ। I agree with you, रोहित। I mean, सिमी के अंदर ना एक डर बैठ गया है, और ये डर निकालने का बस एक ही तरीका है, पुनीत का ना कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट। एंड यू नो बीना, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पुनीत से कैसे छुटकारा पाया जाए। आई मीन वो बिल्डर है, इसलिए वो पुलिस और पॉलिटिकल सर्कल्स में कनेक्टेड है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आई एम ग्लैड यू केम टू मी। यू नो, कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये पुनीत भी गायब हो जाए और किसी को कुछ खबर भी ना हो। आई नो बीना, पर हम ये कैसे कर सकते हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते रोहित। टॉप टीवी रिपोर्टर हूँ, अपनी खबर निकालने के लिए हर रोज उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पुनीत का शिकार करने के लिए भी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, तुम दोनों को मैं इस पुनीत के चुंगल से छुड़ा के रहूंगी। थैंक यू सो मच। स्टॉप क्राइंग।